Hello, darlings. It's showtime. Well, our friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friends, I'm Aman Ansari, you're Subhi Loka, Pan India superstar, darling Prabhas and Prashant Neel ki film, Salaar ke, day number 10 ke, box office collection prediction, audience occupancy, show count, and the all important advanced booking episode mein, title sa hardik swagat karta hoon. क्या हो रहा है मेरा भाई. सो गाइज, आज संडे है, ऑब्वियसली 2023 का आखिरी दिन है. कल से जो नया साल है वो शुरू होने वाला है. लेट्स सी आज सलार बॉक्स ऑफिस पे क्या करती है. तो शुरुआत करते हैं गाइज हम लोग यहाँ पे तेलुगु वर्जन से. तेलुगु वर्जन 1.6 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है. सॉलिड साइन. 80,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड ओनली 2,530 शोज में. मलयालम वर्जन की बात करूं ऑलमोस्ट 5.13 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है. तमिल वर्जन की बात करूं तो वॉपिंग 23.7 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है. कन्नड़ा वर्जन की बात करूं 4.6 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है. बट द हिंदी वर्जन 2.40 करोड़ की. ये इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है कि आज यहां पर शो काउंट की बात कर लूं तो सलार जो है यहां पर डंकी से 70 शो कम है. यस फ्रेंड्स, हिंदी में यहाँ पर सलार के पास 7,335 है. आई थिंक डंकी के पास 7,414 कुछ शोज है. दिस इज द अप्रिसिएशन ऑफ सलार इन द नॉर्थ ऑडियंस. वो बंदा एक दिन भी इधर नहीं आया. ही डिड नॉट इवन कम ओवर हियर टू मुंबई या दिल्ली, कहीं भी नहीं गया. इनफैक्ट वॉज देयर ओनली डिस्पाइट दैट. अनिल धड़ा ने क्या बोला मालूम तुम लोग को? अनिल धड़ा ने बोला कि ये कोई ऐसी फिल्म नहीं थी सलार जैसे KGF 2 का लोग इंतजार कर रहे थे या फिर कोई दूसरी फिल्म से इंतजार कर रहे थे. ट्रेलर आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता है. तुम लोग इतना लेट सेकंड ट्रेलर रिलीज किए हाँ, तुम लोग क्या लग रहा है तुम्हारी ट्रेलर को देखने के लिए ऑडियंस बैठी है यहाँ पर? ये किसको बोला उसने? शोबू को. आप लोग भारद्वाज रंगन का राउंड टेबल देखो, बाप लेवल का इंटरव्यू है उसमें. बहुत सारे साउथ के दिग्गज कलाकार है उसमें. शोबू है यहाँ पे, बाहुबली 2 का प्रोड्यूसर है वो. हाँ, एंड उसने बोला, अनिल धड़ा ने बोल रहा था कि ट्रेलर क्यों जल्दी रिलीज नहीं है तुम लोगों ने. एंड सोचो, प्रभास आया भी नहीं है प्रमोशन करने के लिए और उसकी पिक्चर ने जो बोलती बंद की है. 100 करोड़ फ्लैट देकर गया है प्रभास यहाँ पर. ये उसका स्टारडम डिफाइन करता है यहाँ पर और कुछ भी डिफाइन नहीं करता. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एंड गाइज, यहाँ पर हिंदी में ATP सिर्फ 194 का है, फिर भी वो 1,08,000 टिकट जो है उसके हिंदी वर्जन में यहाँ पर सेल करके जा रहा है. तेलुगु IMAX की बात करो 2.3 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है. हिंदी में ऑलमोस्ट 7 लाख की. इसी के साथ ब्रेस योर सेल्स, आज की एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 4.4 करोड़ रुपीज की हुई है. एंड 2,14,960 टिकट्स हैव बीन सोल्ड विद 11,730 शोज. दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी. सलार इज नॉट स्टॉपिंग. बिंदास मुंबई फिल्म्स को जितने दिन का पोस्टर आ रहा है रिलीज करो तुम लोग यहाँ पर. बैंगलोर 267 शोज है, ऑलमोस्ट 10% ऑक्यूपेंसी. हैदराबाद 440 शोज में 15%. बात करूंगा इस यहाँ पर अन्य जगहों की तो विजयवाड़ा 109 शोज में 12% है. वरंगल 32 शोज, गुंटूर 46, उसके बाद निजामाबाद 14 शोज. तो एज यूजुअल जितनी भी ऑक्यूपेंसी जिस दिन रहती है उससे कई ज्यादा जो है आज संडे को यहाँ पे दिखाई दे रही है. बात करते हैं यहाँ पे हिंदी वर्जन की तो दिल्ली NCR 627 शोज में 20+ फुल शोज है 12%. मुंबई 450 शोज है, पुणे 211 शोज में 12% है, बैंगलोर 128 शोज में 12%, हैदराबाद 58 शोज में 9 हाउसफुल है हिंदी वर्जन. कोलकाता 127 शोज में 13%. अहमदाबाद की बात करो 380 शोज है. चेन्नई 14 शोज में 29% ऑक्यूपेंसी हिंदी वर्जन है. सूरत 221 शोज में 12% है. चंडीगढ़ 81 शोज में 8. दिस फिल्म इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ व्लॉग्स बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे जाकर देखना है. यूजुअली मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ. 47 शोज में 28% की ऑक्यूपेंसी है आज भुवनेश्वर की. गुवाहाटी में ऑलमोस्ट 50 शोज है. दिस फिल्म हैज पेनिट्रेटेड इन द हार्टलैंड. एंड गाइस बात करते हैं अब लोग गाइस यहाँ पर तो नॉर्थ अमेरिका में तेलुगु फिल्म्स की बात करूं तो दिस बिकम्स द थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म इन नॉर्थ अमेरिका. 8 मिलियन के ऊपर कलेक्शन है. इसके बाद बस बाहुबली और RRR जो है वो बचते हैं. एंड प्रशांत नील का इंटरव्यू खाली देख लेना, कल ही रात को मैंने कहा था. उसमें जो बंदे ने कॉन्फिडेंस दिखाया, उसने बोला था जब KGF का पार्ट वन आया तो हम लोग को बॉक्स ऑफिस का टेंशन नहीं था क्योंकि हम लोग को पता था कि हम लोग बॉक्स ऑफिस के पीछे नहीं है, बॉक्स ऑफिस पार्ट टू लेकर आएगी. सलार के साथ भी यही था, हम लोग को पता था कि फिल्म ये पार्ट टू पैसा लेकर आएगी. पार्ट वन सिर्फ ट्रेलर है क्योंकि जो स्टोरी उसने पार्ट टू में बनाया ना खान सर के ऊपर, ये लिटरली है ना होश उड़ा देगा ऑडियंसिस की. अब तक की कहानी इस तरह की है कि आज का एपिसोड है 10वें दिन का.
नौवे दिन का मेरा प्रेडिक्शन है कि फिल्म 14 करोड़ का नेट कमाएगी, ग्रॉस होगा 16.8, ओके, एंड हिंदी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6.75 करोड़। ट्रेड फिगर, सीधा ट्रेड फिगर है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसका, अभी सूरत में पता चला है कई जगहों पर ढंकी के 7 बजे 8 बजे 9 बजे के शोज हाउसफुल है, वहां गए कुछ प्रभास के फैंस, वहां पे वॉचमैन बोल रहा है शो ही नहीं यहाँ पर एग्जिस्ट, तो ये सब मैंने करना अभी छोड़ दिया हूँ, अभी जो हो रहा है आगे बढ़ते रहो दोनों फिल्मों का। गाइज यहाँ पर जो ट्रेड रिपोर्ट कर रहा है मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने वाला हूँ गाइज यहाँ पर, एंड यहाँ पे बात करूं अभी इसकी कल की हिंदी वर्जन की, अगर 6.75 करोड़ कमाता है तो इसका हिंदी वर्जन जो है 106.25 करोड़ होगा, ओके। सो गाइस बात करूं कल के प्रेडिक्शन की, तो प्रेडिक्शन है 14 करोड़ का नेट, ग्रॉस होगा 16.8, ओवरसीज 521.8, अपने कलेक्शन के हिसाब से फिल्म 530.50 करोड़ चली गई है। तो गाइस यहां पर बात करूं इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, 530.50 करोड़ का कलेक्शन है, एंड गाइस होमबले के हिसाब से 556 करोड़ का कलेक्शन है, ओके, द गैप इज ओनली 36 करोड़, ओके, एंड अगर वो 36 करोड़ रेक्टिफाई कर देंगे तो दे आर क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन। गट्स चाहिए मीडिया में आके 3 दिन में 400 करोड़ का पोस्टर रिलीज करके 6 दिन में 500 करोड़ का पोस्टर रिलीज करने के लिए, इसको गट्स बोलते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करना इसको गट्स बोलते हैं, ना कि गलती करते जाओ करते जाओ, कौन देखने वाला है यहाँ पर, वो जमाना गया जब लोग नहीं देखते थे, अब लोगों को सब पता चल चुका है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो आज बात करते हैं यहाँ पर डे नंबर 10 की, तो गाइस इंडिया नेट का प्रेडिक्शन जो है वो 16 करोड़ है, सो ग्रॉस होगा 19.2, ओवरसीज फिर भी 5 करोड़ पकड़ रहा हूँ, ये फिल्म आज भी वर्ल्ड वाइड 24.2 करोड़ कमाएगी अपने फिगर्स के अनुसार, 555 करोड़ का वर्ल्ड वाइड 10 दिन में होगा, एंड मुंबई फिल्म्स के अनुसार 580 करोड़ होगा, सरार इज ऑन द वर्ड्स, एंड हिंदी का तो सुन लो बे, हिंदी में 8 करोड़ आने वाला है जो कि इसकी हिंदी कलेक्शन को 115 करोड़ पहुंचा देगा। इसमें कोई डाउट है हिंदी कलेक्शन में, कोई ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हुआ है, कहीं हेरा फेरी हुई है, अदला बदली हुई है, नहीं इसमें कुछ लगता है 115 करोड़ डब फिल्म डंकी के सामने क्लैश करके वो फिल्म उसको शोज नहीं दे रहे थे, वो आज डंकी के जितना शोज लेकर बैठी है, 115 करोड़ को अगर कोई सक्सेस नहीं कहेगा ना तो क्या है, समझ जाओ खाली तुम लोग, ठीक है, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।